हैं और स्पेशली होमोजेनियस कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस को हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ये जो लेक्चर है, यहाँ पर हम देखेंगे जो अदर टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ सीएच बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये जो होमोजेनियस कैटालिस्ट है ये कैसे सीएच बॉन्ड को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब एक्चुअली यहां पर है सीएच बॉन्ड को तोड़ना, उसको एक्टिवेट करना। सीएच बॉन्ड आप जानते हैं कितना मजबूत बॉन्ड है, दोनों के सी और एच के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, सी और एच के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। बट होमोजेनियस कैटालिस्ट ऐसे होते हैं कुछ जो इन दोनों को, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और इस सी एच बॉन्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन का मतलब है इस सी एच बॉन्ड को डिसोशिएट करना और उनको अलग अलग कर देना, तभी वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि एक्टिवेशन का मतलब है ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक करना। तो सी एच बॉन्ड का एक्टिवेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि जनरली जो एल्केन्स हैं, एरीन्स हैं, जहां पर सी एच बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को क्लीव करना बड़ा कठिन है, अनरिएक्टिव बॉन्ड है वो, लेकिन उस बॉन्ड को क्लीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस सी एच बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके इस सी एच बॉन्ड को वीक कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड कहां होगा? एल्केन्स में होगा, एरीन्स में होगा, जो कि अनरिएक्टिव होता है उसको ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो सी एच एक्टिवेशन होता है थ्री मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो सी एच बॉन्ड का एक्टिवेशन होता है ये तीन मैकेनिज्म से होता है। एक होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप ऑलरेडी जान चुके हैं, आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो मैंने आपको डिफरेंट रिएजेंट भी बताए थे कि कोई पोलर रिएजेंट हो सकते हैं, कोई नॉन पोलर रिएजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पोलर रिएजेंट की। पोलर रिएजेंट को अगर आप देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड है, सॉरी ये नॉन पोलर रिएजेंट है एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड जो है जैसे ये सी एच फोर हो सकता है सी एच थ्री एच। तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें जो बॉन्ड है सी एच बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को क्लीव किया जा सकता है थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन, जैसे हम हाइड्रोजन को भी ऐड करते हैं। हाइड्रोजन एच और एच का एक्टिवेशन होता है थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऐसे ही क्या होगा, आर और एच, आर एच ग्रुप को अगर जोड़ दे तो उसका एक्टिवेशन हो सकता है सी एच का थ्रू मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस एंड वाया ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो आप देख रहे हैं कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो आर एच है ये देखिए जुड़ गया, एक आर और एक एच, तो इसका मतलब आर और एच बॉन्ड जब टूटे हैं तो ही ये जुड़ा है, तो ये क्या है, सीधे सीधे सी एच एक्टिवेशन है। तो लो वैलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनका जो जो यहाँ पर मेटल है ये लो वैलेंट है, लो वैलेंट इन द सेंस कि ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तभी तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर आप देखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, तो ये लो वैलेंट एक मेटल अगर है तो उस वो जो है वो सी एच बॉन्ड का एक्टिवेशन कर सकता है थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जरूरी कंडीशन है कि जो मेटल है उसको लो वैलेंट होना चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। दूसरे तरीके का जो एक्टिवेशन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेशन के थ्रू भी जो सी एच बॉन्ड है उसका एक्टिवेशन किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो जो हाइड्रोकार्बन से हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक मेटल सेंटर के थ्रू जो है वो अटैक्ट हो सकते हैं। ये जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, पॉजिटिव है, तो यहां पर ये जो आर ग्रुप है ये जनरली नेगेटिव होता है नेचर का, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक शो करता है मेटल सेंटर के ऊपर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आर एच बॉन्ड है यानी सी एच बॉन्ड है वो टूट गया, और टूटने के बाद जो आर है वो यहाँ एड हुआ और एच प्लस डिस्प्लेस हो गया। तो ये आप देखेंगे कि जहां पर मेटल सेंटर जनरली पॉजिटिव होंगे तो वहां पर इस तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेशन हो सकता है। तीसरे तरीके का जो मेथड है वो है सिग्मा बॉन्ड मेटाथिसिस। सिग्मा बॉन्ड मेटाथिसिस का मतलब है आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है इट जनरली प्रोसीड थ्रू फोर सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। फोर सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी, यहां पर हम ये कहेंगे कि जो एल एन एम है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आर
डैश एच और यहां पर आर जुड़ा हुआ है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट है जहां पर आप देख रहे हैं ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है और ये जिसका क्लीव होना है बॉन्ड, ये देखिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो चार सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। और यहां पर आप देखेंगे कि बॉन्ड का बनना, ये बॉन्ड तो बनेगा, ये वाला बॉन्ड तो बनेंगे, और ये वाले बॉन्ड क्या होने, ब्रेक होने हैं। तो आप देखेंगे कि आर एच बॉन्ड टूट जाएगा और एम और आर बॉन्ड टूटेगा, तो ये नया बॉन्ड बन जाएगा, आर एच बन जाएगा, और ये जो है ये नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एल एन एम आर। तो इसको हम मेटाथेसिस कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस। सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस का मतलब है कि उसी समय बॉन्ड ब्रेक होता है उसी समय बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जहां पर सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, जो निकलने वाले भी होंगे और जो जुड़ने वाले भी होंगे। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर हम देखेंगे तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन दो तरीके का होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू हम सी एच को एक्टिवेट कर सकते हैं, या इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्पीसीज है वो मेटल रिच है, और आप देखिए यहां पर एक सी एच बॉन्ड है, ये देखिए इस जगह पर जो सी एच बॉन्ड है ये एक्टिवेट होगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस मेटल से ये एच जुड़ जाएगा, और साथ में ये मेटल कहां से जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा, और एच जो है मेटल सेंटर से जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये सी एच बॉन्ड एक्टिवेट हुआ है, देखिए आप इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये एक्टिवेशन, इसको हम ऑर्थोमेटालेशन भी कहते हैं, यानी ऑर्थो पोजिशन पर मेटालेशन हो रहा है, ऑर्थो पोजिशन पर डायरेक्ट मेटल अटैच हो रहा है। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, तो इसके थ्रू भी सी एच बॉन्ड का एक्टिवेशन किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए अगेन साइक्लोमेटालेशन है, आप देखेंगे कि ये जो 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 मेटल का पोर्शन है अगेन यहां पर एक्टिवेट कर रहा है ये इसको, और ये मेटल यहाँ अटैच हो जाएगा और ये एच यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये फाइनली एक साइक्लिक कंपाउंड देगा। तो इसको हम साइक्लोमेटालेशन कह रहे हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्थो पोजिशन पर जो सी एच बॉन्ड है वो एक्टिवेट हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन से, ठीक है। एक जगह ये पार्ट एड हो जाए और एक जगह ये वाला पार्ट एड हो रहा है मेटल के साथ। ये अगेन एक एग्जाम्पल है जहां पर आप देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर है। तो आप देखिए यहां पर इरिडियम के साथ तीन पीपीएच3 जुड़े हैं, और ये पीपीएच3 में से एक पीपीएच3 का एक से, तो एक साइड से तो जुड़ा था, ऑर्थो पोजीशन पर जो सी एच बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और एक एच यहां जुड़ जाएगा, निकल गया है, बल्कि एक एच, ये एक एच टू यहां से निकल गया है, और साथ में ये जो एच यहां से निकला वो यहां जुड़ गया है। तो ये जो पी एक जो पीपीएच टू में एक पीएच3 पीएच था, वो पीएच का सी एच बॉन्ड क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ है। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर सी एच एक्टिवेशन है। फिर आप देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर सी एच एक्टिवेशन हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा भी है कि एक ये मॉलिक्यूल है जहां पर इरिडियम जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, तो इस केस में आप देखेंगे हम आर एच अगर इसमें ऐड करते हैं तो एक एच टू अगर निकलेगा तो एक आर जुड़ गया और एक एच जुड़ गया, ये आर एच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और इस आर एच का बॉन्ड ब्रेक होके ये एक्टिवेट होके ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो हो रही है और आर और एच बॉन्ड टूट रहा है, तो ये एक्टिवेशन है। कुछ और मेथड्स भी हैं, ये यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेशन दिखाया हुआ है जो सी एच का है। तो यहां पर आप देखिए कि पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है, ये पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है एक्टिवेटिंग मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें सी एच फोर जब जुड़ रहा है तो ये सी एच फोर इस तरीके से जुड़ रहा है कि इस सी एच फोर में से सी एच थ्री तो इस प्लेटिनम से बाइंड हो जाएगी और ये जो एच है ये एच सी एल बना देगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर दो प्लेटिनम सेंटर काम करते हैं, एक प्लेटिनम सेंटर टू होता है, एक प्लेटिनम सेंटर फोर होता है। तो देखिए प्लेटिनम सेंटर टू जो है वो एक्टिवेटिंग मेटल कॉम्प्लेक्स है और ये जो सी एच थ्री वो यहां बाइंड होगी, यानी सी एच बॉन्ड ब्रेक हो गया है, सी एच बॉन्ड ब्रेक हुआ इस प्लेटिनम सेकंड की वजह से और ये सी एच थ्री एड हुई है। उसके बाद एक प्लेटिनम फोर जो कॉम्प्लेक्स है PtCl4 PtCl6 2- इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है ये क्या करेगा, यहां पर इसने सी एल एड कर दिया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ और ये PtCl4 2- में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद फर्दर आप रिएक्शंस अगर देखेंगे, एक्चुअली एल्कोहल बनाने में हेल्पफुल है ये जो मेथड है, सी एच फोर से देखिए एल्कोहल बन गया है। तो आप देखेंगे एक जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, यहां पर प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट करता है सी एच बॉन्ड के टूटने को। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जनरली कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, सी एच बॉन्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का है जो कि एक्टिवेट कर रहा है, बाकी जो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है वहां पर ये जो PtCl6 है वो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन करता है और CH3OH में कन्वर्ट करता है इस मीथेन को। तो इसका एक स्टेप है, एक बीच में जो स्टेप है, दिस स्टेप
यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो प्लेटिनम है उससे सीएसटी जुड़ गया है, तो ये सीएच एक्टिवेशन है। तो सीएच एक्टिवेशन जनरली रिएक्शंस के बीच में आपको दिखाई देगा, या किसी फाइनल प्रोडक्ट के बनते समय आपको दिखाई दे सकता है कि एक्टिवेशन हुआ है थ्रू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए जो पैलेडियम है, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स जो है, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, ये जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेशन कर रहा है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने वाला है, तो यहाँ पर जो सीएच बॉन्ड है उसका एक्टिवेशन हो रहा है। देखिए तो सीएच बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब ये टूटेगा तभी होगा, तो इसका मतलब सीएच बॉन्ड का क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये एक मेथड है। उसके बाद आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस के थ्रू एक्टिवेशन हो रहा था पहले भी आपने देखा। तो आप देखिए कि यहां पर ये जो एक ग्रुप है, जो एक कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है जिरकोनियम के कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसका जो ये जो पार्ट है सीएच बॉन्ड, देखिए ये एक्टिवेट हो रहा है, ये एक्टिवेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सीएच बॉन्ड टूट रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू ये एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस हो रहा है। तो आप देखिए कि जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है, पहले प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या कर रहे हैं, इस सीएच को एक्टिवेट कर रहे हैं कि ये टूटे और ये रिएक्शन करे। ठीक है, एक और मेथड, कई सारे मेथड और हो सकते हैं। जैसे एक मेथड है हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, तो यानी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये भी सीएच को एक्टिवेट करता है। आप देखिए इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स साइक्लोपेंटेन के साथ और ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो रिंग है, ठीक है, यहां से डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब इसके जो सीएच बॉन्ड थे उनमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और ये एक क्या बन रही है, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज बन रही है। तो यहां पर जो एल्केन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव का ट्रांसफर हो सकता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा मतलब सीएच बॉन्ड एक्टिवेट होगा। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ इरिडियम कॉम्प्लेक्स, यानी हाइड्रोजन ट्रांसफर एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो सीएच एक्टिवेशन होता है। तो आपने देखा, एक तो आपने देखा ऑक्सीडेटिव एडिशन जिसके थ्रू सीएच बॉन्ड को एक्टिवेट किया जा सकता है, दूसरा मेथड है जो इलेक्ट्रोफिलिक, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है उसके थ्रू किया जा सकता है, तीसरा आपने देखा सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस के थ्रू किया जा सकता है, चौथा आपने देखा हाइड्रोजन ट्रांसफर के थ्रू ये जो एक्टिवेशन है वो किया जा सकता है, पांचवा मेथड अगर आप देखेंगे तो बोराइलेशन। बोराइलेशन का मतलब है कि सीएच बॉन्ड सीबी बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, यानी सीएच बॉन्ड टूटेगा और इस एच की जगह पर बोरॉन ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप देखिए एक्टिवेशन है, तो बोराइलेशन के थ्रू, ये एक एल्केन है, इस एल्केन की रिएक्शन जब ये डाइबोरेन से की जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ आरएच कैटालिस्ट, तो यहां पर जो आरएच कैटालिस्ट है इट विल एक्टिवेट द सीएच बॉन्ड, और आप देख रहे हैं कि ये जो एच ग्रुप्स हैं, H3 ग्रुप्स हैं, ये रिप्लेस हो गए देखिए बोरोन के साथ। तो ये जो सी एच बॉन्ड था वो सीबी बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो बोराइलेशन है ये भी सीएच बॉन्ड को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे मोराई रिएक्शन है, जहां पर आप अगेन देखेंगे कि यहां पर भी सीएच एक्टिवेट होगी, एरोमेटिक कंपाउंड विद कीटोन और एमीन ग्रुप, एक्टिवेशन ऑफ सीएच बॉन्ड अकर्स एट एट ऑर्थो पोजिशन, जनरली जो ऑर्थो पोजिशन है वहां पर सीएच बॉन्ड का एक्टिवेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रुदीनियम कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो सीएच बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ और एच की जगह पर ये आ गया। ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि जो सीएच एक्टिवेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएच बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक वहां पर कोई दूसरी चीज अटैच नहीं होगी, तो एक्टिवेशन का मतलब है सी और एच बॉन्ड टूटे और टूटने के बाद वहां पर कोई रिएक्शन हो जाए। तो एक्टिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्टेप है ये कई सारी रिएक्शंस के बीच का स्टेप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है जो सीएच एक्टिवेशन है ये डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कर सकते हैं। किसके कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, प्लेटिनम के कर सकते हैं, किसके कर सकते हैं, इरिडियम के कर सकते हैं, किसके कर सकते हैं, रुदीनियम के कर सकते हैं, किसके कर सकते हैं, रोडियम। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सीएच को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। कौन से मेथड्स हो सकते हैं, मेटाथेसिस हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक मेथड हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एक्टिवेशन, ठीक है, फिर क्या एक्टिवेशन हो सकता है, बोराइलेशन हो सकता है,
ठीक है, बोरॉन बॉन्ड बन रहा है, फिर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपने देखा मुराई रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनके थ्रू जो है वो डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू सीएच को एक्टिवेट किया जा सकता है, मतलब सीएच बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीएच एक्टिवेशन बाय ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे सीएच बॉन्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो मतलब है कि कैसे तोड़ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन कैसे होता है। सीएच तो जो है वो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सीओ है, CO2 है, H2O है, इनका एक्टिवेशन कैसे किया जा सकता है। क्या एक CO2 में से सी और ओ बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्या एक सीओ में से सीओ बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो वो कैसे किया जा सकता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।